विक्रम सिंह जी, रघुवंशी जी, निशंक जैन जी, रानी अहिरवार जी, जिताना है सबको। बैठिए बैठिए। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप दूर दूर से मेरी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। मध्य प्रदेश के अब मेरे काफी दौरे लग गए हैं और मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। आप लिख के रख लो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है और इसका कारण है। सबसे पहला कारण, 5 साल पहले आप सब ने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी, बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी आपने। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया था, सही? और फिर बीजेपी के नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने, शिवराज चौहान जी ने, अमित शाह जी ने मिलकर एमएलएस को खरीदकर आपकी सरकार, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को चोरी किया। करोड़ों रुपए देकर कांग्रेस पार्टी के एमएलएस को खरीदकर सौदा करके जो आपका निर्णय था, जो आपकी दिल की आवाज थी, उसको बीजेपी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने कुचलने का काम किया। आपके साथ धोखा किया। किसके साथ? मध्य प्रदेश के अरबपतियों को धोखा नहीं दिया, किसानों को धोखा दिया, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को धोखा दिया। हम आपकी सरकार चलाना चाहते थे, हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, 27 लाख किसानों का कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया था। आपको याद होगा उस समय बीजेपी के नेताओं ने कहा था कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं करेगी, मगर हमने काम करके दिखाया। पूरा मध्य प्रदेश जानता है। और देखिए, शिवराज जी का काम देखना है तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे बेरोजगार युवा जो है, हाथ उठा के दिखा दो, ये देखो लाइन लग गई। तो यहां पे मध्य प्रदेश में आप किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, ये जवाब मिलता है, कुछ नहीं करते। मोदी जी अपने भाषण में, हर भाषण में कहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, कहते हैं यहां हमने 500 कारखाने खोले हैं। एक दिखा दो मुझे जो कारखाना खोला हो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, शिवराज चौहान जी ने, मैं देखना चाहता हूं कहां है ये कारखाना। एक भी नहीं है। अभी यहां स्टेज पे मुझे बताया गया 1700 करोड़ रुपए आपके शहर के लिए भेजे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए,
सड़कों के लिए आप तक एक रुपया नहीं पहुंचा। इनके भ्रष्ट मंत्रियों के जेब में चला गया, आपके जेब में, आपके सड़कों पे आपके बच्चों को नहीं मिला। तो देखिए, हम बीजेपी से लड़ते हैं, कर्नाटक में हमने इनको मार के भगाया है, हिमाचल प्रदेश में मार के भगाया है, नफरत के साथ नहीं। देखो, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। हम अहिंसा के सिपाही हैं, हम मारते नहीं हैं। मगर मध्य प्रदेश में प्यार से मारकर हमने इनको भगाया, कहा कि भाई तुम्हारे यहां भी जगह नहीं है, तुमने कर्नाटक को बहुत बुरी तरह लूटा, 40% सरकार चलाई, चलो भागो यहां से, अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। और सिद्धरमैया जी से मैं आपको बताता हूं, मैंने सिद्धरमैया जी को पहली बात बोली, सिद्धरमैया जी और मैं बैठे वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, मैंने उनसे कहा, देखिए सिद्धरमैया जी, यहां पे येदुरप्पा जी और बीजेपी ने कर्नाटक की जनता से करोड़ों रुपए चोरी किए हैं, अब आपका काम, सिद्धरमैया से मैंने कहा, अब आपका काम जितना पैसा पिछले 5 सालों में, वहां भी भैया उन्होंने चोरी की थी सरकार, यहां भी चोरी की, वहां भी चोरी की थी, जितना पैसा इन्होंने पिछले 5 सालों में गरीबों के जेब से लिया है, मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा, उतना पैसा आप गरीबों के जेब में डालोगे, आप अकाउंट निकालो, जितना इन्होंने अरबपतियों को दिया उतना आप गरीबों को दोगे। यहां पे गैस सिलेंडर का क्या रेट है? 1200। कर्नाटक में जानते हो क्या रेट है? 500। 500 रुपए का सिलेंडर है। यहां हमारी माताएं बहने आई हैं, यहां 1400 है ना, वहां 500 है, ठीक है, तो वहां पे 900 रुपए है तो गैस सिलेंडर के बचे कर्नाटक में महिलाओं के। अब दूसरी बात सुनिए, सिद्धरमैया जी ने कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में महिलाओं के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाओं के लिए पूरे कर्नाटक में बस के टिकट फ्री कर दिए हैं। मतलब बस में महिला जाती है, कुछ खरीदने जाती है, इलाज करवाने जाती है, एक रुपया नहीं देती, एक पैसा नहीं देती है कर्नाटक में। किसानों का कर्जा माफ हुआ। चलिए छत्तीसगढ़ ले जाता हूं आपको, छत्तीसगढ़ में वही बात मैंने चीफ मिनिस्टर से कही, जितना पैसा इन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से लूटा है उतना पैसा आप छत्तीसगढ़ के किसानों को दोगे, ये मैंने कहा। हमने वायदा किया था धान के लिए छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा, गारंटी कर दी हमने। चुनाव के एकदम बाद 2500 रुपए प्रति क्विंटल उनका दाम हो गया। आप जानते हो छत्तीसगढ़ में दाम क्या है आज? नहीं, 2640 नहीं, आज 2800 और चुनाव के बाद 3200। मजदूरों को 10,000 रुपए मिलते हैं मजदूरी के लिए सरकार से, हमारी सोच
जब तक हम जनता की जेब में पैसा नहीं डालेंगे तब तक अर्थव्यवस्था चालू नहीं हो सकती, तब तक रोजगार नहीं मिल सकता। छत्तीसगढ़ में कुछ ही दिन पहले मेरी किसानों से बात हुई, मैंने उनसे पूछा, एक किसान था, मैंने उससे पूछा, भाई बताओ यहां पे सही रेट मिल रहा है धान के लिए, धान उगाते हैं, धान के लिए सही रेट मिल रहा है, तो आपकी जो आपका जो खेत है उसका दाम बड़ा होगा, आपके खेत का क्या दाम है? मैंने किसान से पूछा, उसके जवाब से मैं हैरान हो गया। मुझे कहता है, राहुल जी मुझे अपने खेत का दाम नहीं मालूम। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो, आप कैसे किसान हो कि आपको अपने खेत का दाम ही नहीं मालूम? कहता है मुझे दाम से कुछ लेना देना नहीं है, मैं इस खेत को कभी बेचूंगा ही नहीं, पूरी जिंदगी मैं इस खेत को नहीं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार मुझे धान के लिए सही रेट देती है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5 साल में जो मेरा कर्जा लगा था, बीजेपी की सरकार जब थी, बीजेपी की सरकार जब थी, जो मेरा कर्जा लगा था वो सारा का सारा कर्जा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उतार दिया। उसने मुझे बताया, राहुल जी मैं सोचता था किसी दिन स्कूटर खरीदूंगा, स्कूटर छोड़िए मैंने गाड़ी खरीद ली है। होता क्या है, हम किसान मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं। यहां हमने एक कर्जा माफी की बात की, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। मैं आपको यहां गारंटी दे रहा हूं, चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ होगा, 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब किसान के जेब में पैसा आए, मजदूर के जेब में पैसा आए, तो उस पैसे को जाके वो खर्च करे, शर्ट खरीदे, पैंट खरीदे, जूता खरीदे, मोबाइल फोन खरीदे, स्कूटर खरीदे, गाड़ी खरीदे। अगर किसान और मजदूर पैसा खर्च करेंगे तो फायदा किसका होगा? छोटे दुकानदार का फायदा होगा, छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, छोटे दुकानदारों का फायदा होगा, बेरोजगारी मिटेगी। चेन है भाइयों और बहनों, चेन है, और चेन की नींव फाउंडेशन किसान और मजदूर है। अगर हिंदुस्तान का, मध्य प्रदेश का किसान और मजदूर मजबूत नहीं है तो हिंदुस्तान कमजोर है, सीधी सी बात है। अब हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा फोकस गरीबों पर लगा देते हैं, पैसा हम आपके जेब में डालते हैं। वो क्या करते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, अदानी जी को, अंबानी जी को, आपका धन पूरा का पूरा वो पकड़ा देते हैं। अदानी जी का बैंक लोन माफ होता है, नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का, हां चौंक गए, सच है, 14 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का माफ किया। यह पैसा अदानी का नहीं है, यह पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। जीएसटी का पैसा कौन देता है? आप क्या सोचते हो, अदानी देता है? आपने ये शर्ट खरीदी, जीएसटी का पैसा दिया। यहां आए, स्कूटर में आए, पेट्रोल डाला, जीएसटी का पैसा दिया। बिजली का स्विच चलाया, अदानी को पैसा गया। तो आप लोग पैसा देते हो, एयरपोर्ट आपका, पोर्ट आपका, सड़क आपकी, सब आपका है, क्यों पैसा आपके जेब से आ रहा है? जब उनका कर्जा माफ होता है
बैंक के पास पैसा कहां से आता है? पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कहां से आ रहा है पैसा? आसमान से तो नहीं गिर रहा है, ऊपर से तो नहीं आ रहा है, आपकी जेब से आ रहा है। तो हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? आप जाते हो पेट्रोल पंप जाते हो, आपको पता नहीं लगता, बस ये कमी है। पेट्रोल पंप में जाते हो, पेट्रोल भरते हो स्कूटर में, वहां पे मीटर चलता है, मीटर, एक मीटर आपको दिखता है और दूसरा मीटर वहां पे अदानी का चलता है, वो मीटर आपको नहीं दिखता। फिर आप घर में जाते हो, आप बच्चे से कहते हो बेटा पढ़ना है तुम्हें, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बेटे से कहते हो, बेटी से कहते हो, वो लग जाते हैं पढ़ाई शुरू करते हैं, शाम का समय आता है, आप लाइट स्विच ऑन करते हो, उसके बाद आपका बिल आता है, आप कहते हो अरे हजारों रुपए चले गए, मगर आपको यह नहीं दिखता कि उस बिल के साइड में एक कॉलम है अदानी, वो दिखता नहीं आपको, मगर वो हो रहा है। तो पूरा का पूरा फायदा अदानी अंबानी इन सबको ये देते रहते हैं। अच्छा आप देखिए एक और चीज नोट कीजिए, अभी ये भाषण चल रहा है, दिख रहा है आपको भाषण चल रहा है, यहां पर कितने मीडिया वाले हैं? एक कैमरा दिख रहा है आपको बड़ा, एक है ना, नरेंद्र मोदी के सामने 50-100 कैमरा क्यों लगे रहते हैं? नरेंद्र मोदी जी का आपको चेहरा 24 घंटा टीवी पे मिलेगा, आप टीवी ऑन करो, टीवी ऑन करते हो अदानी जी के यहां बिजली का पैसा जाता है सीधा, जैसे ही ऑन किया, जैसे आपने टीवी ऑन किया, खट उनका मीटर वहां चालू हो जाता है अदानी जी के घर में, और फिर मोदी जी का चेहरा आता है, आपको हिंदू धर्म की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, एक दूसरे से लड़ाएंगे और पैसा अदानी जी के यहां चला जाए। मैं किसानों की बात करता हूं, मैं मजदूरों की बात करता हूं, मैं छोटे दुकानदारों की बात करता हूं, एक कमी है छोटे दुकानदारों के पास, किसानों के पास, मजदूरों के पास, मीडिया का रिमोट कंट्रोल नहीं है, बस यही बात है। अगर मीडिया का कंट्रोल हिंदुस्तान के किसानों के हाथ में होता, मजदूरों के हाथ में होता, बेरोजगार युवाओं के हाथ में होता, तो राहुल गांधी का चेहरा आपको 24 घंटा मीडिया पे दिखता कि ये हमारा आदमी है, ये कर्जा माफी की बात करता है, ये बिजली बिल हाफ करने की बात करता है, मगर कंट्रोल ही नहीं आपका, कंट्रोल अदानी जी का, आपके यहां से पैसा जाता है। बताओ भैया जीएसटी से यहां किसी को फायदा हुआ? नोटबंदी से फायदा हुआ? नरेंद्र मोदी जो किसान बिल लाए उससे फायदा हुआ किसी को? अच्छा एक और बात बताओ, अदानी जी का, इन लोगों का, अरबपतियों का 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ है, बीजेपी ने यहां किसी का कर्जा माफ किया? एक युवा है जिसने कर्जा लिया हो, बैंक के पास जाए, कहा कहे कि भैया मेरा कर्जा माफ कर दो, लाठी मार के भगा देंगे उसको, कहेंगे कैसी बात करते हो, तुम्हारा कैसे कर्जा माफ होगा, लाठी मार के भगाएंगे उसको। किसान जाता है बैंक में, किसान कहता है भैया हमारा कर्जा माफ करो, लाठी मार के टांग तोड़ देंगे। अदानी जी जाते हैं, लाल कालीन लग जाता है, सलूट मारते हैं सब लोग, कहते भैया कितना कर्जा माफ करवाना है आपको, बताइए हम करते हैं। तो दो हिंदुस्तान बना रखे हैं, एक में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है मध्य प्रदेश में, एक हिंदुस्तान में,
गरीबों के हिंदुस्तान में, दूसरे हिंदुस्तान में अरबपति, लंदन में, जापान में, अमेरिका में महल खरीद रहे हैं, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, मर्सिडीज में, बीएमडब्ल्यू में चल रहे हैं। ये दो हिंदुस्तान बना रहे हैं। और मेरा कहना है कि एक हिंदुस्तान होना चाहिए, उसमें सबकी इज्जत होनी चाहिए। और उस हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी किसान, मजदूर और युवा है। तो सबसे पहले किसान, मजदूर और युवाओं की देखभाल होनी चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। भाई और बहनों, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, हिस्ट्री में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है, पहली बार। ये शर्म की बात है। बीमा का पैसा आप उससे चोरी करते हो, उसका कर्जा माफ नहीं करते, 12% टैक्स ट्रैक्टर पे लेते हो, 18% पेस्टिसाइड पे लेते हो, 5% खाद पे लेते हो, फर्टिलाइजर पे लेते हो। किसान अपने पैरों पे कभी खड़ा हो ही नहीं सकता। मंडी टैक्स लेते हैं, अदानी टैक्स लेते हैं, अंबानी टैक्स लेते हैं, तो ये फर्क है। हमारा पहला काम किसान मजदूर की रक्षा करना, दूसरा काम। और मैंने छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से यह कहा और यही हम यहां करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमने कहा कि देखिए, जो भी किसान उगाता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे किसान अलग अलग चीजें उगाते हैं, कहीं आम उगता है, कहीं धान उगाते हैं, कहीं गेहूं, अलग अलग चीजें, कहीं टमाटर, कहीं आलू। छत्तीसगढ़ ने हमने कहा है कि देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट के किसान उगाते हैं उसका वहां पर फूड पार्क लग जाना चाहिए। फैक्ट्रियां अगर वहां टमाटर उगाते हैं तो टमाटर केचप की फैक्ट्री वहीं उस डिस्ट्रिक्ट में लगनी चाहिए। अगर आम तो अचार, आम के जो सॉसेज होते हैं, जूसेज होते हैं, उसकी फैक्ट्री वहां लगनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ ने जाल बिछा दिया। और हमारा छत्तीसगढ़ में अगला कदम क्या है, हम छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 2-3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोलेंगे जब हमारी दिल्ली में सरकार आएगी, और सीधा छत्तीसगढ़ से आम, धान, चावल, गेहूं सीधा एक्सपोर्ट होगा बाकी दुनिया में। तो यही हम मध्य प्रदेश के किसान के लिए करना चाहते हैं। मगर अगर किसान की रीढ़ की हड्डी कमजोर होगी तो यह काम नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारा पहला कदम और आपसे पहला वायदा किसानों को कर्जा माफ करने का है। दूसरा वायदा, वो भी किसानों के लिए, गेहूं के लिए 2600 रुपए प्रति क्विंटल, और ये 2600 से 3000 तक जाएगा। धान के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल गारंटी, मतलब किसान को इससे कम नहीं मिलेगा। बिजली 100 यूनिट मुफ्त में, और 200 यूनिट उसके बाद वाले हाफ। अगर बेटी होगी, अगर बेटी होगी तो 2.5 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, और 1500 रुपए हर महीने मध्य प्रदेश की हर महिला को। मतलब हम
हम आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब तक हमने आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डाला तब तक इन शहरों में, इन सड़कों पर, कस्बों में, गांव में पैसा नहीं जाएगा। जब तक पैसा नहीं जाएगा अर्थव्यवस्था नहीं चालू हो सकती, और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चालू हो। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं वो है इन लोगों का जो भ्रष्टाचार है, बीजेपी का भ्रष्टाचार, इन्होंने सरकार चोरी क्यों की? इन्होंने सरकार इसलिए चोरी की क्योंकि ये चोरी करना चाहते हैं। इनका मेन प्लान है कि मध्य प्रदेश की जनता से चोरी कैसे करा जाए, कैसे की जाए, और इसीलिए पहला कदम इनके लिए सरकार चोरी करने का था। तो क्या किया? व्यापम सुना होगा आपने, 1 करोड़ युवाओं का भविष्य बेच डाला, 40 लोगों की हत्या हुई। मोदी जी ने इंक्वायरी करवाई? नहीं। आपने ये जो मंत्री है तोमर, नाम सुना होगा आपने, वीडियो देखा इसका? वीडियो देखा है? एक वीडियो नहीं है उसके, अलग अलग वीडियो है। कहीं वो 100 करोड़ की बात करता है, जैसे मतलब बच्चे कंचों की बात करते हैं ना, जैसे बच्चे कंचों की बात करते हैं, भैया मेरे पास 4 कंचे हैं, 5 कंचे हैं, वो करोड़ों की बात कर रहा है। 100 करोड़ इधर बेच दो, 50 करोड़ उधर बेच दो, पता नहीं कहां बैठा है, विदेश में बैठा है कहीं। वीडियो वायरल हो रहा है, 100 करोड़ इधर, 50 करोड़ इधर, 200 करोड़ उधर, 5 करोड़ इधर। ये आपका पैसा है, ये तोमर का पैसा नहीं है, तोमर जी का पैसा नहीं है, आपका पैसा है। और हर डिपार्टमेंट में ये करते हैं, स्कूल में बच्चों को जो खाना मिलता है उसमें चोरी, विदिशा में हो रही है, पटवारी एग्जाम स्कैम, एमबीबीएस सीट बिकती है, हर चीज को बीजेपी के लोग बेचते हैं। तो यहां पे कांग्रेस पार्टी को आप पूरा समर्थन दीजिए। मैं यहां आपको देखिए, नरेंद्र मोदी जी आते हैं 15 लाख का वायदा कर जाते हैं, 15 लाख रुपए मिले किसी को? नोटबंदी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा। भैया वो जो तोमर जी है वो कौन से रंग के धन की बात कर रहा है? वो फोन पे, उसके बारे में मोदी जी कुछ नहीं कहेंगे। अगली बार मीटिंग में आएंगे, उनसे पूछना, नरेंद्र मोदी जी तोमर जी का बेटा है उस पर आप इंक्वायरी कब कराओगे? सीबीआई की इंक्वायरी कब होगी? ईडी की इंक्वायरी कब होगी? मैंने अदानी जी की बात की पार्लियामेंट हाउस में, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, कहते तुम्हें लोकसभा में नहीं रहना है, बहुत डिस्टर्ब करते हो, अदानी जी की के बारे में भाषण देते हो, बहुत डिस्टर्ब करते हो, तुम्हें लोकसभा में नहीं रहना, तुम्हें बाहर निकलना है लोकसभा से। मेरा घर ले गए, सरकारी घर है, मैंने उनसे कहा ले जाओ मुझे नीचे है तुम्हारा घर, मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है, मेरा घर हिंदुस्तान के गरीब लोगों के दिल में है, किसानों के दिल में है, मजदूरों के दिल में है, तुम्हारे घर की कोई जरूरत नहीं मुझे, ले जाओ उठा के, मैं सच्चाई बोलूंगा। तो ये मैं आपसे कहने आया हूं, अब मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश का प्रगति का समय आ गया है, अब कांग्रेस पार्टी को लाइए, किसानों की मजदूरों की सरकार लाइए, युवाओं की सरकार लाइए, बेरोजगारी मिटाइए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
राहुल गांधी। देखिए, मैंने किसानों की बात की, मैं जानता हूं कि यहां आपकी सिंचाई की समस्या है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम उसका असेसमेंट कराएंगे, पता लगाएंगे और पूरी कोशिश होगी कि आपके लिए यहां